सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को पियूषम भागवत एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा बाघ और बटोही की लाई के पथिक की कथा अध्यापन कराने जा रहा हूँ। अयम पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ खंड नामक खंडात संकलित। यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संकलित है। अब आपको क्वेश्चन आता है कि वृद्ध व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से संकलित है, तो हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से संकलित है। और इसके रचयिता कौन है, हितोपदेश के रचयिता कौन है, तो हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित। हितोपदेश बालका नाम मनोरंजनाय, हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए नीति कथा शिक्षणाय च, और नीति कथा के शिक्षण के लिए पशु पक्षी संबंध श्राविता नाना कथा, अनेक कथाएं पशु पक्षी से संबंधित सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। पशु पक्षी कथा आनाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थम प्रभुतम भवति, पशु पक्षियों के कथानक का मूल्य मानवों की शिक्षा के लिए पर्याप्त होता है। इति एतादृशी अश्लोक ज्ञायते, यह इन अश्लोकों से मालूम पड़ता है, इन कथाओं से मालूम पड़ता है। कश्चित विद व्याघ्र स्नातः कुसहस्तः सरस तीरे मृते, कोई बूढ़ा बाघ स्नान किए हुए हाथ में कुसा लिए हुए बोला, भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंगणम गृहताम, ओ ओ पथिक ये सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो लोभात आकृष्टेन केनचित पांथेन आलोचितम, उसके बाद लोभ के वशीभूत लोभ से आकृष्ट किसी पथिक ने सोचा, भाग्य नहीं तत् संभवती, यह तो भाग्य से ही संभव है, भाग्य से ही सोने का कंगन मिलता है। किंतु अस्मिन आत्मसंदेह, किंतु इसमें मन में संदेह हो रहा है, प्रवृत्ति न विधेया, जहाँ संदेह हो जाए मन में उस काम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, तत्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अनिष्टाद इष्टलाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यदि अनिष्ट में बुरे में अच्छाई दिखाई दे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उसकी गति अच्छी नहीं होती है, सु नहीं होती है, क्योंकि यत्रास्ते विसंसर्ग अमृतम तदपि मृतवे, विष के संसर्ग में यदि अमृत भी हो तो वह भी मृत्युदायक होता है। यदि पूरे घड़ा में विष भर दिया, अमृत भर दिया जाए और ऊपर उसके मुंह पर विष लगा दिया जाए तो वह अमृत भी मृत्युदायक ही है, इसलिए अनिष्ट में इष्ट दिखाई दे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उसको त्याग देना चाहिए। किंतु सर्वत्र अर्थार्जने प्रवृत्त संदेह एवं, वह सोचता है कि अरे सब जगह तो धनोपार्जन में कुछ न कुछ रिस्क लेना पड़ता है, संदेह ही होता है। तन निरूपयामी तावत, तो उसको करके देखते हैं, जब तक नहीं करेंगे तब तक हानि लाभ का पता कैसे चलेगा। प्रकाशम ब्रूते, प्रकट रूप से बोला, यह मन में विचार किया और प्रत्यक्ष रूप से बोला, कुत्र तव कंगणम, तुम्हारा कंकन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तो प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पांथो अवदत, पथिक बोला, कथम मारात्मके तो विश्वास, अरे तुम जैसे हिंसक जंतु पर जीव पर विश्वास कैसे करें। व्याघ्र वाच, बाघ बोला,
सेनो रे पांथ सुनो रे पति प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृत्तम आसम। पहले मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, अनेक गोमानुषा नाम बधान में पुत्रा दाराश्च मृता, अनेक गौ और मनुष्यों के वध से मेरी स्त्री और पुत्र मर गए। वंशहीनश्च अहम और मैं वंशहीन हूँ, ततः उसके बाद केनचित धार्मिकेन अहम आदिष्टः, किसी धार्मिक के द्वारा मैंने उपदेश प्राप्त किया है, आदेश प्राप्त किया है। उसने कहा दान धर्मादिकम चरतु भवान, आप दान धर्म आदि का आचरण करें। तद उपदेशान उसके उपदेश से इदानिम अहम स्नानशीलो दाता, इस समय मैं स्नान किए हुए दाता हूँ, वृद्ध हूँ और बूढ़ा हूँ, गलित लख दंत मेरे नाखून और दांत गल गए हैं। कथम न विश्वास भूमि, फिर विश्वास के पात्र कैसे नहीं। अरे इतना ही नहीं, माया धर्म शास्त्राणि च अधितानि श्रृणु, अरे मेरे द्वारा धर्म शास्त्र का भी अध्ययन किया गया है, सुनो। दारिद्रान भर कौन्तेय मा प्रेक्षेश्वरे धनम, व्याधितस्य औषधम पथ्यम निरुजस्य किम औषधैः। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र अर्जुन से कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, धनवानों को धन मत दो, धनवानों को धन प्रदान मत करो, क्योंकि रोगियों की औषध देना, दवाइयाँ देना पथ्य होता है, उसका उपचार होता है, लेकिन निरोगी को औषध देने से क्या लाभ। उसी प्रकार जिस तरह से निरोगी को औषध देने से हानि होती है, उसी प्रकार धनवानों को धन देने से हानि होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा, और भी मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, सुनो। दातव्यमिति अदानं दीयते अनुपकारिने, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। कहा कि दान उसको देना चाहिए जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया। आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप फीस देते हैं, तो आप मुझे दान नहीं दे रहे हैं, आप मेरे पारिश्रमिक दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके नौकर चाकर हैं, और उनको आप यदि मदद करते हैं तो आप दान नहीं देते हैं। उनका अधिकार है आपकी कमाई में, बाल बच्चा पोता पोती भांजा भांजी जितने हैं उन सब का अधिकार है, इसलिए वह दिया किया हुआ मदद, दिया हुआ दान दान नहीं कहलाता है। जिसने आपका कभी उपकार नहीं किया, अतिथि है, जिसकी आने की कोई तिथि नहीं है, और निर्धन है, जरूरतमंद है, ऐसे जरूरतमंदों को दान देना सात्विक दान कहा गया है। और देश स्थान काल और सद सुपात्र में दिया हुआ दान सात्विक दान कहा जाता है। विद्वानों में से ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए जिसको दान दे दिया आ जाके अनीति में उसको गवा दिया, जाके शराब पान कर लिया है, वैश्यालय में चला गया, धन का दुरुपयोग करता है, वैसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। भूखों को भोजन देने से पुण्य होता है, उसकी आत्मा की तृप्ति होती है, लेकिन जो भरपेट भोजन खाए हुए है किए हुए है और उसको भोजन देंगे अपच हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऐसे धनवानों को, ऐसे असत पात्रों को दान नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तत अत्र सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकणम गृहान, तो यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो यावत असौ तब वह, जब तक वह तद वचः प्रतीतो, उसके वचन का विश्वास करके लोभात लोभ से सरा स्नातुम प्रविशति,
तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तावन महापंके निमग्न, तब तक महान कीचड़ में फंस जाता है, पलायतुम अक्षमः और भागने में असमर्थ हो जाता है। महापंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, महान कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, आहा हा हा महापंके पतितोसी, आहा तुम महान कीचड़ में फंस गए हो, अतः अहम त्वाम उत्थापयामि, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। इति उक्त्वा ऐसा कहकर सनेह सनेह उपगम्य धीरे धीरे पास जाकर तेन व्याघ्रेण घृतः उस बाघ के द्वारा पकड़ लिया गया और वह पथिक ने सोचा, पांथो अचिंतयत, उस पथिक ने सोचा, अवसेंद्रिय चित्ता नाम हस्ती स्नान एव क्रियाम, जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है, जिसका मन चंचल है, उसकी क्रियाएं जो है सो हाथी के स्नान के समान होता है। हाथी स्नान करता है, तुरंत ही अपने शरीर पर धूल कीचड़ झोंक लेता है, उसको बार बार स्नान करने की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार दुर्भगा भरण प्रायो अभागा स्त्री, अभागा स्त्री विधवा को कहते हैं, विधवा स्त्री को खूब गहना से सजा दीजिए, लेकिन एक सिंदूर नहीं है, उसका पति नहीं है, तो उसका सब श्रृंगार बेकार है, अधूरा है। तो दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, हमारे पास ज्ञान है, हम उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते हैं, क्रिया रूप में कार्य रूप में नहीं लाते हैं, तो वह पढ़ाई से वह ज्ञान से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जिस तरह से विधवा को श्रृंगार का कितनों गहना से सजा दो, लेकिन उसका श्रृंगार का, उसका गहना का, आभूषण का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके माथे का सौभाग्य सिंदूर पति नहीं रहता है, तो उसका रूप जो है सो कुरूप दिखने लगता है। उसी प्रकार ज्ञान के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ मालूम पड़ता है। इतः इति चिंतयन, ऐसा सोचते हुए उसने कहा कि सही गगन बिहारी कलमशत ध्वंसकारी दस शतकर धारी ज्योतिषा मध्यचारी लिखित यदि ललाटे प्रोजितम कह समर्थ। ब्रह्मा ने जिसके ललाट में जो लिख दिया है वही ग्रह नक्षत्र तारा के रूप में विचरण करता है, 10,000 हाथ को धारण करने वाला वही है, वह परमात्मा जिसके भाग्य में जिस विधि मरण लिख दिया है मृत्यु, उसको कोई टाल नहीं सकता है। ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा मारा गया और खाया गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कि कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुस्तरः, कंकन के लोभ में, महान कीचड़ में, दुस्तर कठिन असाध्य अगम्य कीचड़ में गिरा हुआ पथिक जैसे बूढ़ा बाघ के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, लोभ नहीं करना चाहिए। बच्चों आप ध्यान से इसको हिंदी में सुन ले, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ खंड से संकलित है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक पशु पक्षी से संबंधित कथाएं सुनाई गई हैं। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया जाता है। पशु पक्षियों के कथानकों का मूल मानवों की शिक्षा के लिए पर्याप्त होता है। इन कथाओं से यह मालूम पड़ता है, कोई बूढ़ा बाघ स्नान किए हुए
हाथ में कुश लिए हुए तालाब के किनारे बोला, अरे अरे पथिक, ये सोने का कंगन ग्रहण करो। इसके बाद लोभ से आकृष्ट किसी पथिक ने सोचा कि यह तो भाग्य से ही संभव है, किंतु इसमें मन में संदेह हो रहा है, इसलिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि यदि अनिष्ट में इष्ट लाभ दिखाई दे, बुरे में अच्छाई दिखाई दे, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उसकी गति शुभ नहीं होती है, क्योंकि विष के संसर्ग में अमृत भी कष्ट मृत्युदायी होता है। किंतु सब जगह अर्थार्जन में, धनार्जन में, प्रवृत्ति में संदेह ही उत्पन्न होता है, तो उसको प्रकट रूप से उस कार्य में प्रवृत्त होकर देखते हैं और प्रकट रूप से बोला कि कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक बोला, अरे कैसे तुम जैसे हिंसक पर विश्वास किया जाए। बाघ बोला, सुनो रे पथिक, पहले मैं जवानी में बड़ा दुराचारी था, अनेक गाय मनुष्यों के मद के पाप से मेरी स्त्री और पुत्र मर गए हैं, अब मैं वंशहीन हूँ। उसके बाद किसी धार्मिक के द्वारा मैंने उपदेश प्राप्त किया है, उसने कहा कि आप दान धर्म आदि का आचरण करें, उसके उपदेश से मैं इस समय स्नान किए हुए हूँ और मेरे नाखून और दांत गल के गिर गए हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, फिर मैं विश्वास के पात्र कैसे नहीं। इसके बाद भी मेरे द्वारा धर्मशास्त्र का अध्ययन किया गया है, उसे सुनो। हे कुंती पुत्र, निर्धनों को, धनहीनों को धन प्रदान करो, रोगियों के लिए औषध उसका उपचार होता है, परंतु निरोगियों को औषध देने से कोई लाभ नहीं होता है। और भी मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, दातव्यमिति, दान उसे देना चाहिए जो अनुपकारी हो, जिसने आपका कभी उपकार नहीं किया है, अपरिचित हो, ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। देश, स्थान, काल और सदपात्र में, सुपात्र में दिया हुआ दान को विद्वानों ने सात्विक दान किया कहा है। जरूरतमंदों को दान देना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, हैं जो तृप्त है, पूरा नाभि से लेकर कंठ तक जिसका भरा हुआ है, उसको भोजन कराने से कोई लाभ नहीं है। उसी तरह जो धनहीन है, निर्धन है, जरूरतमंद है, उसको धन देना चाहिए। तो यहाँ तालाब में मुझे लगता है कि तुम अभ्यागत हो, निर्धन हो, धनहीन हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दान दूँ, तो तुम यहाँ तालाब में स्नान करो और यह सोने के कंगन ग्रहण करो। जब तक वह उसके वचन पर विश्वास करके लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, तब तक महान कीचड़ में फंस जाता है, भागने में असमर्थ हो जाता है, और उसके बाद कीचड़ में गिरा हुआ देखकर बाघ बोला, आहा हा, महान कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। धीरे धीरे उसके पास जाकर, धीरे धीरे बाघ उसके पास जाकर उस पथिक को पकड़ लेता है। अब बाघ के द्वारा पकड़े जाने पर पथिक ने सोचा कि जिस व्यक्ति का चित्त स्थिर नहीं है, उसकी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान होता है, जैसे अभागा विधवा स्त्री को आभरण से, आभूषण से, अलंकार से, गहना से सजाने से उसका शरीर का बोझ ही होता है, उसके सौंदर्य में श्री वृद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार व्यवहार के बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ होता है। ऐसा सोचते हुए वह पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया, मारा गया और खाया गया। इसलिए कहा गया है,
कि जैसे सोने के कंगन के लोभ में महान कीचड़ में फंसकर पथिक ने बूढ़ा बाघ के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ मृत्यु का और पाप का कारण होता है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि लोभ आपके शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा रोग है, लोभ व्याधि अनंत का। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति अपना बहुत बड़ी बड़ी हानियां प्राप्त कर लेता है, हानि प्राप्त करता है। इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये इन छओं को शत्रु कहा गया है, अतः लोभ का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। अब हिंदी की कथाएं, इसमें से हिंदी के प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान देने का विधान है, परंतु जिस किसी को बिना सोच विचार कर दिया गया दान, वह सफल नहीं होता है। अतः व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर देश स्थान काल और सदपात्र को, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया है, ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया गया दान को सात्विक दान कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, अथवा व्याघ्र पथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ कथा ग्रंथ हितोपदेश का प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। इस कथा में लोभ के वशीभूत व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण उपस्थित है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से भी वंचित हो जाते हैं। यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि वंचकों का चक्कर में, ठगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम बड़ा बुरा होता है, लोभ के दुष्परिणाम से व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाती है और बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए लोभ के चक्कर में और ठगों के धूर्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अब मैं आपको प्रश्नोत्तर लिखाने जा रहा हूँ, आप प्रश्नोत्तर लिखें। बच्चों, एकादश पाठ का प्रश्नोत्तर मैंने लिखा दिया। अब आप लोग इसको अभ्यास पुस्तिका में
उतार कर याद करेंगे। धन्यवाद।